बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा कायदीन ए कराम जनाब मुस्तफा महमूद साहब जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक, अलाज सैयद सलीम साहब सीनियर कायद मजलिस बचाओ तहरीक वो सदर रज़ा इलाही फाउंडेशन, जनाब राशिद हाशमी साहब, इकबाल नसीमा साहब और हमारे शकील भाई सैयद इब्राहिम भाई उस्मान बास, और अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। सुबह कल रात में भी बहुत देर तक तकरीबन साढ़े चार हो गए घर को आए जब तक, फिर सुबह 8 बजे से बाहर है बरा एक घंटा मैं प्रेशर हो तो कहो रह रहे के सैकड़ों उलझनों पर ख्याल आता है। हम लोगों के चेहरे पढ़ रहा हूँ, चेहरों की बेचैनी को भी महसूस कर रहा हूँ। ये विराम तकरीब है, हमारे लल्लू बहन की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किया गया है, बेहतरीन आपके लिए बिरयानी शुरुआ का एहतमाम किया गया है। बैठो बैठो बेहतरीन इंतजाम किया गया है बिरयानी का, और शिरखोमा कीजिए बिरयानी खाइए। उसके बाद में कवाली भी सुनेंगे इंशाल्लाह, बहुत ही लोग हैं बेहतरीन कवाली सुनेंगे, नातिया कलाम सुनेंगे। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फजल रहा कि अल्लाह ने इस माह रमजान में हमको पूरे 30 रोज़े रहने का ये फ़र्ज हासिल किया। अल्लाह ताला अपने अजीज बंदों को रमज़ान देता। आजकल तो ऐसा है कि आप 30 या 35 साल क्रॉस कर लिए, यानी इंग्लिश में कहावत है कि वेन यू क्रॉस 40 और योर टम्मी क्रॉसेस 40, समझे ना मेरी बात को, यानी अगर आपका वेट 40 से ऊपर हो जाए या आपकी उम्र 40 हो जाए तो ये समझो कि आप यू आर प्रोन टू ऑल टाइप ऑफ डिजीजेस, आपको हर वो बीमारी की इम्कानत है। अगर शुगर आ गई रोजे नहीं रह सकते, अगर कोई दूसरी बीमारी आ गई आप रोजे नहीं रह सकते। तो हर रमज़ान में जो है आप ये दुआ करना कि अल्लाह आइंदा रमज़ान तक मुझे सेहतमंद रखे ताकि मैं तेरी इबादत कर सकूँ, रोजे रह सकूँ, ज़कात फितरा दे सकूँ। दूसरी अल्लाह से ये शुक्र अदा करना चाहिए कि कई लोग हैं हमारे शहर में, हमारे अड़ोस में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में बीमारियों में मुबतला है लोग, यानी आज लोग जो है पैसा रखकर भी इलाज नहीं करवा सकें, ऐसे ऐसे बीमारियों के जाल हो रही है। मेरे पास प्रजा दरबार में आप अक्सर देखते होंगे कि मैं जब भी प्रजा दरबार में हम अपील करते वीडियो बनाते तो वो वीडियो बनाने के दौरान मैं खुद मेरे आँख से भी कई मरतबा आंसू निकल जाते हैं। उसकी वजह ये रहती कि जो इंसान नर्म दिल होता है वो सामने वाले की तकलीफ का एहसास करता है और खुद उसकी आँख से भी आंसू निकल जाते हैं। अल्लाह ताला रमज़ान में हमसे तो बेहतरीन रमज़ान गुजारा, लेकिन उनके बारे में सोचिए जो प्लेन के बमों के छाए में रोजा रहे हैं, वो फलस्तीन के मुसलमान। मैं जब भी टीवी देखता, टीवी में हम देखते फलस्तीन के बारे में कि यकीन मानिए हम तो कुछ कर नहीं सकते, वहाँ पर जाके हम अपनी शहादत नहीं दे सकते, लेकिन यकीनन हम जो है नमाज पढ़ के 2 रकात नमाज पढ़ के सजदे में जाकर मुझे ये दुआ जरूर कर सकते हैं। और कोई दिन पूरे रमज़ान में, क्योंकि अल्लाह ताला रोज़गार की दुआ सुनता है, और मैं तकरीबन जितने लोगों से मिलता था एक ही बात कहता था कि सब छोड़िए, अल्लाह ताला सब दे दिया आपने को, सेहत दे दिया, रोजे दे दिया, घर दे दिया, गाड़ी दे दिया, खुशियाँ देख ली, अपन सब देख लिए, लेकिन अल्लाह हमको क्यों जिंदा रखा कि हम ये बर्बादी देखें।
जजमेंट होता है जजमेंट ही पे देता हूँ फलस्तीन का मतलब। लोग जो जालिम है, जो जुलूम करते हैं, जो ताकत का मुजाहरा करते हैं, अल्लाह ताला थोड़ा इख्तियार दे देता है तो ताकत का मुजाहरा करते हैं अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों की हक मारकर खाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तुमको जब थोड़ी शोहरत देता है तो पड़ोसी के ऊपर दादागिरी करते हैं। उसकी गाड़ी अगर थोड़ी सी आपकी दीवार में लग गई तो आप घर से लाठ निकाल के लाठी मारने को आ जाते हैं उसको। लेकिन सोचो उन फलस्तीन के मुसलमानों को, रात में रोता है, रात में सुबह की अवली ने कौन पर सहरी किया है, फजर पढ़ के कुरान पढ़ रहा है और ऊपर से ग्रेन आता है, उसके सात बच्चों को तबाह करके चले जाता है। बाप बलिया सात